शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उठो उठो, देर हो रही है कॉलेज की, उठो। 10 बज गए, चलो जल्दी करो, आ जाओ। अच्छा आबूजी, मैं चला दुकान पे। वो सेवरिक मिल दे रहेगा अंदर से। हाँ ले लूँगी। आते हुए ना प्याज टमाटर भी ले आना। चलो चलो जल्दी, लेट हो गया, लेट हो गया। अब अच्छा आबूजी, हम लोग कॉलेज आ रहे हैं। ध्यान से जाना, बहू का ख्याल रखना भाई। जी। तो कपड़े तो ना भूल गई, बाद में धोलेंगे। ठीक है, आते समय फिर धोना। तुम्हारी परजाई उधर ही जा रही है धोने के लिए, उसे दे दे, वो दे देगी। हाँ नाजिया धो देगी। हाँ धो देगी उसको, दे दो। आप धो देंगी? हाँ क्यों नहीं। अच्छी है ना, मैं लेके आती हूँ। हाँ ले लीजिए दीदी, ये जो कढ़ाई वाला है ना, इसको थोड़ा आराम से धोना, क्या है ना कढ़ाई निकल जाएगी तो गंदा लगेगा ना। हाँ क्यों नहीं, कितनी अच्छी है ना, मैं चलती हूँ। चलो कपड़े सारे नए लग रहे, छोटी बहू के हैं क्या? हाँ उसी के हैं। उसके? अच्छा एक गलदस, वो क्या अभी भी कॉलेज जाती है? हाँ। ओ, फिर तो सारे कपड़े तेरे को कल्ले धोने पड़ने हैं। अच्छा मेरी एक बात सुन, तू मेरी छोटी बहन जैसी है इसीलिए बोल रही हूँ, बुरा मत मानना। ऐसा ना हो वो कॉलेज की पढ़ाई करते रहे, तू घर की नौकरानी बन जाए। अच्छा चल छोड़, सुन ना, मैंने तो अपने इनको बोल दिया है लोन पे स्कूटी ले आए, पैदल नहीं चला जाता मुझसे अब, और आई रही है स्कूटी 2-4 दिन में कार। आज जाके असली गोबर मिला है, अब सही खाद मिलेगी सब्जी को। तो सवेरे से आप ये गोबर के पीछे पड़े थे है? और मेरे को बताओ जी है? गोबर भी कहीं असली नकली होता है? तुझे बड़ा पता है असली नकली होता है। हाँ मेरे को कैसे पता होगा, मैंने कौन सी फैक्ट्री में काम किया गोबर की, ये तो आपका काम है ना। अरे क्या हुआ बहू, किसी से लड़के आई है क्या? अरे बाप रे। ओए कुछ बोल भी, की होया, क्यों कपड़े फाड़ रही है तू? सारे पिंड के कपड़े लाके दे दो मुझे धोने के लिए। क्यों कपड़े फाड़ रही है, सारा दिन काम करते रहो और बाद में इनके ताने भी सुनो। अभी पर अरे सुनो, अम्मी अब्बू के सामने थोड़ा ध्यान से। ध्यान से मतलब? ध्यान से मतलब क्या, अम्मी अब्बू है मेरे, डिस्टेंस मेंटेन रखना। बहू के जाने से रौनक ही चली गई, सब खाली खाली लगता। सच्ची मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा खाना खाने को, और ड्रामा देखने को तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। हाँ लग तो रहा कुछ अलग सा है ना। हाँ सदियों से नहीं रह रही है वो उस घर पे, अभी एक ही दिन हुआ है उसे यहाँ पे आए हुए, उसके बिना ना जैसे बोला उस घर में रौनक थी नहीं। सबके मुंह चढ़े का माहौल कैसा है? सब अच्छे हैं। आपका फैसला कभी गलत होता है क्या? देखा मैंने कहा था ना, अब घर के कामों में अपनी जिठानी का हाथ भी बटाया कर। कहाँ मम्मी, एग्जाम्स आने वाले हैं, किताबें इतनी मोटी मोटी मेरे से नहीं हो पाता। अच्छा ये तो बता वो कैसा है? क्या मम्मी कुछ भी बनाओ जल्दी जल्दी मेरे लिए। अरे बना तो रही हूँ, और क्या बनाओ? और सीखा पापा जी। आ जा इधर रख यार। ये चल बैठ जा। अरे बैठ जा बैठ जा। ये जो है ना बड़ी सेहतमंद चीज है ये। मेरा एक दोस्त है फौजी, उसने दी थी। लेकिन पापा जी मैं शराब नहीं पीता। और मैं कौन सा पीता हूँ, ये तो मेरा एक फौजी है, वो दे आया है।
तुम मजे कर, जवान आदमी है। लेकिन पापा जी मैंने कभी पी नहीं। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होता, ये ले पी, पी ले, ले, शाबाश, पी 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 पी, शाबाश शाबाश, ऐ शाबाश, अरे पी 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 पी, शाबाश शाबाश शाबाश, अरे अरे क्या हुआ? अरे अरे मर्दों वाली चीज है ये, पी ले पी ले पी ले पी ले, शाबाश शाबाश शाबाश, पी ले, अरे पीले पीले। हाँ पीटा है मैंने, मालूम है? बात करता है चूहे की तरह बैठा हुआ है। अरे शेर बन शेर, मर्द की तरह ऐसे जैसे मैं हूं। देख देखा मेरी उम्र कितनी लगती होगी, बोल बोल। जवान आदमी हूं मैं। अब एक काम कर, तू भी अब मेरी तरह बन, तू ना अब मेरी तरह बन। किधर देख रहा है तू? इधर देख, मैं बैठा हूं इधर। मैं कौन हूं? पापा जी। पापा जी हूं ना? पापा जी समझता क्या होता है, क्या होता है पापा जी? ओ पापा जी होता क्या है? पापा जी ओए जीव आदमी है ये। क्या कर रहे हो मम्मी, छोड़ो। जुए देख रही हो? जुए देख, कुछ भी बोलते आप मम्मी, जुए देख रही। पढ़े लिखों को भी जुए पड़ती है। वैसे अच्छे लोग हैं ना, माँ बाप का फैसला कभी गलत नहीं होता। कितना नेक लड़का है, बाप तो फरिश्ता है उसका, माँ थोड़ी अकुलू है। बस करो अम्मी, अब सो जाओ। हाँ हाँ, अब हमारी कहाँ सुनेगी, साथ जो मिल गई है तुझे। कुछ भी बोलते हो। आए हमें अजीब सा लग रहा था क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, लेकिन एक अलग सा चेहरा दिखा आज सरपंच जी का। सरपंच जी इतने खुशदिल इंसान होंगे ये नहीं सोचा था कभी। वो ऐसे ही है, हमें उनके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन हमने कभी उनको बोला नहीं, सोचा एम्बैरेस्ड फील होगा। वैसे गलत क्या करते हैं वो, बस बातें थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। क्या हुआ बहू, क्या ढूंढ रही है? कुछ नहीं अब्बू, यही तो रखा था, कहाँ गया? क्या अब्बू आप भी कुछ भी करते रहते हो, दांतों को लगाती हूँ मैं ये। अरे थोड़ा सा रह गया था। अच्छा नाला तो दे दी क्या हो? ओहो कहाँ ढूंढूं। अबू जी ये लो नाड़ा। अबू जी ये आप रख लो, मैं ना अपने पुराने ब्रशेस नहीं फेंकती हूँ, संभाल के रखती हूँ। वैसे भी कोई पुरानी चीज नहीं फेंकनी चाहिए ना, कभी ना कभी तो काम आ ही जाती है। क्या बात है बहू है, पढ़ाई में भी काबिल और घर का कामों में भी समझदारी। भाई दिल जीत लिया तूने मेरा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अबू जी आप ना ये बुर्श रख लो। आपसे बढ़कर थोड़ी है, मैं तो नया खरीद लूंगी। पुरानी चीजें ना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बीमारी लग सकती है। हाँ, अब ये पढ़े लिखों को कौन समझे। तुमने लाई? लाई मन जा, मैं हलवा बनाती हूँ। क्या अंदर देख रहे हो तुम? पैसे तो तुमसे ही लेता है, और आज तक मेरे लिए तो कोई ऐसी चीज नहीं आई। मौका देती है तुम,
और दूसरे दिन तुम उठा के चली होती है बाजार, पूरा संदूक भरा पड़ा अंदर, चीजें चाहिए इसको। सारा दा सारा काम करो तो ऊपर उन्हें नखरे दिखो, इंदा ते स्यापा के तुम्हें कुछ दिख रहा है? हाँ दिखा, तुमने पानी का जग ला के यहाँ रखा, अब यहाँ बैठ के मेरा सिर खा रही हो। हाँ मैं सिर खा रही हूँ? तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, तुम्हें पता भी है घर का सारा काम मैं अकेली करती हूँ, कोई भी ना काम करके राजी नहीं है इस घर में, सबके सब मुझे नौकरानी मानते हैं। तुम कुछ मत बोलना, बस अपने मुंह में ना दही जमा के बैठे रहो और कुछ नहीं। घर का काम कर रही हूँ, फैक्ट्री में नहीं काम कर रही, सारे करते हैं इसमें क्या? वही तो, सारे करते हैं ना, लेकिन इधर तो मैं अकेली कर रही हूँ, घर में और भी तो लोग हैं ना, अम्मा जी है, छोटी बहू है। अम्मा जी तो बीमार रहती है और छोटी बहू भी नहीं आएगी, करेगी आहिस्ता आहिस्ता। बड़ी फिक्र हो रही है उसकी, है उसको कॉलेज जाने से फुर्सत मिले तब करे ना। अब क्या तुम्हारे लिए कॉलेज जाना छोड़ दे वो? कुछ भी बोलती हो तुम, सिर दर्द हो रही है मेरे, मुझे सुबह जल्दी जाना है दुकान पे, चलो सोते हैं। ऐसे कैसे जाना, पहले इधर बैठो और मेरा फैसला करके जाओ। कौन सा फैसला? जो बताया आपको, रोज तुम कोई ना कोई मुद्दे ले आते हो, अब मैं क्या यहाँ कचहरी खोल के बैठो? ऐसे कैसे, उठ उठ रोटी बना, मुझे जाना है दुकान पे जल्दी। जल्दी बना रोटी। क्या हुआ, ऐसा क्या खा लिया कि इतनी बीमार हो गई? पता नहीं अब्बू जी, अचानक से ना बड़ी बेचैनी हो रही है, सिर तो दर्द से फटा ही जा रहा है। अच्छा, हाय हाय चाची जी क्या हो गया बेचारी को, हमने तो जब से सुना है परेशान हो गए, एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला। लाल पीली जी हो गई जी, अल्लाह खैर ही करे। हाय नहीं नहीं, रंग उतरा है बेचारी का, रंग उतरा है। मुझे तो यही टेंशन हो रही है कि अब आप लोगों का खाना कौन बनाएगा। दीदी आप टेंशन क्यों लेती है, मैं बना दूंगी ना, आप आराम करो। तुझे तो कॉलेज भी जाना होता है ना। क्या हो गया एक दिन से, आज नहीं जाऊंगी कल जाऊंगी। हाँ हाँ फिर वो चला जाएगा, पढ़ के आ जाएगा, बाद में इसको पढ़ा देगा, एक दिन की तो बात है। पता नहीं है बेचैनी कब तक ठीक होगी। आसानी से नहीं होगी। और भाई क्या कहना बैठा हुआ है? नहीं बस ऐसे ही। देख हमारे टाइम पे कभी ये क्लासरूम हुआ करता था, मोनिका मैडम बहुत पसंद थी मेरे को, स्पेशल चाय बना के लाता था उसके लिए मलाई मार के। मोनिका मैडम ने कॉलेज क्या छोड़ा कि इन्हें क्लासरूम से सीधा स्टोर रूम बना दिया ये। और तू क्यों परेशान है, मुरझाया हुआ है कुछ? अभी कहाँ वो, अभी नई नई शादी हुई है ना, तो अम्मा जी ने कहा कि भाव को दो चार दिन रेस्ट करने दो। चल कोई ना, हाँ कंटीन में चाय पिलाता हूँ, मलाई मार। और जी चाची जी कैसी है नाजिया की तबीयत अब? हूँ की दसा, पड़ी हुई अंदर और समझ में भी तो नहीं आ रहा कौन सी बीमारी हुई है, हैं? अरे हमने तो कितनी बार बोला डॉक्टर को दिखा दो, मानती नहीं, कहती आराम करूंगी सब ठीक हो जाएगा, दवाई भी नहीं खाती। वैसे ना दवाई खानी भी नहीं चाहिए। क्यों? बड़े नुकसान करती है जी, आजकल मार्केट में डुप्लीकेट बहुत आ गई है। हाँ और ऊपर से औरतों के डराने आपको पता था। अच्छा मैं जरा नाजिया को देख के आ। चाय शाय कुछ पियेंगे जी? उठ उठ जा, हुआ नहीं उसका कॉलेज जाना बंद, तभी तो तीन दिन से बीमार बन के बैठी हूँ। तीन दिन बाद तो उठना ही पड़ेगा, वो ना पेपर का बहाना करके सारा काम फिर से करवाएगी, जल्दी कुछ सोच नहीं तो पड़ी रहेगी ऐसे ही काम करने इनकी नौकरानी बन के। हाय सियाप्पा लीजिए ना, आप भी लीजिए। वो तो कभी बड़ा यही सोच सोच के ना मेरा सच में सिर फटा जा रहा है। सोच कुछ ऐसा धमाका कर कि इनको समझ में आए, और मेरी बात सुन, कभी कभी ना इंसान को अपने दिमाग से भी काम करना पड़ता है।
बस अब बहुत हो गया, अब ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, मैं कौन से दर्द से गुजर रही हूँ, किसी को कोई फिक्र नहीं है मेरी। बेटा तुमको बोला तो था दवाई खा लो। बोला। बात वो नहीं है अबू जी, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। घर में और भी तोड़ते हैं, कोई काम करके ना राजी नहीं है। मेरे आने के बाद तो अम्मा जी ने काम से फुर्सत ही ले ली, मजाल है कोई एक चीज उठा के इधर से इधर रखी हो। या अल्लाह, पहले तो कभी एहसास नहीं हुआ, अब तो मुझे ताने मार रही है। पहले नहीं था ना, अब है, क्योंकि पानी ना सर के ऊपर आ गया। चल ठीक है, कल से मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। अरे नहीं अम्मी जी, आप क्यों बनाएंगी? दीदी कल से खाना मैं बनाऊंगी एक टाइम का। सिर्फ खाना नहीं बनाना होता, और भी काम होते हैं घर में, झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो, कपड़े धो। तो ठीक है ना, मिल बांट के कर लेंगे। ऐसे कैसे मिल बांट के करेंगे, तू तो रोज सुबह गुत हिलाती हुई कॉल चली जाती है, पीछे से सारा स्यापा मेरे सिर। ओ हेलो, एक मिनट, ये कॉलेज की बात बीच में कहां से आ गई? एक बात सुन लो, शादी से पहले ये बात तय हो गई थी कि शादी के बाद भी मैं कॉलेज जाऊंगी, समझी? अबूजी हुई थी कि नहीं? हाँ, हुई थी। और सुन लो, वैसे भी तुम्हारी उम्र तो गई है, तुम तो कोई पढ़वट नहीं सकती, अब मेरी उम्र है, मैं कॉलेज जाऊंगी और पढ़ूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता, समझी? तुम तो कुछ बोलोगे नहीं है, मुंह में ना दही जमा के बैठे रहो, कोई मेरी इधर कोई फिक्र नहीं करता है। अब तुम औरतों के झगड़े में क्या बोलू मैं? सच कहती है जरीना परजाई, यहाँ पे ना किसी को मेरी परवाह नहीं है। अच्छा तो ये फितूर तेरे दिमाग में जरीना परजाई ने भरा हुआ है, खुद का घर तो संभालता नहीं, उससे दूसरों का घर बर्बाद करती फिरती है। हाँ तो क्या गलत बोला उसने? तो ये सही है, बेकार की बातों का पतंगड़ बना रही है। मैं पतंगड़ बना रही हूँ? तुम्हें तो मेरी गलती दिखती है ना। तुम तो कुछ बोलोगे नहीं, इन सब में मैं क्या बोलूं? हाँ क्या बोल सकते हो, तुम तो कुछ बोल ही नहीं सकते, पर मुझे भी नहीं रोकना बोलने से, समझे? आयशा, आयशा, ओ बुजी, आप चाय तो नहीं पियेंगे? नहीं नहीं नहीं, इतनी गर्म चाय कौन पिएगा? लेकिन आपने ये देखा? हाँ? मुझे तो इसने चाय पूछी नहीं। तोबा, तोबा, तोबा। से हाँ। आपकी और मेरी चाय मैं खुद बनाऊंगी। हाँ। लड़कियों के ताने कौन सुनेगा? अब अगला सीन अच्छा है। हाँ, 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 हाँ